मोस्टली स्टूडेंट जहां गलती करते हैं हम उन पर बात करते हैं, इस बात का आपको पता है। अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो हमसे जुड़िए और जानिए कि मोस्टली स्टूडेंट कहां गलतियां करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वॉइस करने जा रहे हैं, वॉइस, द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो उसमें हम बात करेंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, डबल आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो डबल ऑब्जेक्ट आ जाने से दिक्कत क्या आती है, जब डबल ऑब्जेक्ट ना आकर एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक ऑब्जेक्ट और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है तो आपके सामने एक समस्या आती है। इसका आज हम सोल्यूशन करेंगे कि क्या ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट और दूसरा इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। पहचान करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की, और या फिर इस बात से बचने का एक आसान तरीका भी देखेंगे। जी हाँ, तो जी फिर बात करेंगे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव आएगा तो पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो जी इसी वीडियो में हम सीखेंगे इट इज टाइम वाले सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, और जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो वगु होता है, वगु होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता है, तो वो कैसे चेंज होते हैं। तो आइए जी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मोहन गेव मी अ बुक, तो इसका आसान सा तरीका था कि हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, आई गेव, वी टू है तो वॉज में चला जाता है, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय मोहन, ऐसे हमने चेंज कर दिया था इसका। या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट आगे ले आकर कभी कर सकते हम, ए बुक वॉज गिवन टू मी, फिर टू मी करना पड़ता है, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई मोहन, ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। लेकिन हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जाएगा ही इलेक्टेड है, वी टू है, तो जैसा कि हमने फॉर्मूला यहां बनाया हुआ है आपको ध्यान में होगा, एक बार वो बना देते हैं, प्रत्येक वीडियो में नरेशन की वीडियो और वॉइस में ये बनाया हुआ है। तो जी वॉइस है तो यहां चेंज होता है, द वॉइस ऑफ द रेन पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, ये वाला इसमें चेंज हो जाएंगे, ये रहेंगे आपके नो चेंज, थोड़ा सा टाइम लगता है ये फॉर्मूला बनाने में, नो चेंज, और ये वाला भी नो चेंज, यानी कि ये आता है तो इसमें आ जाता है, ये इसमें बदलना पड़ेगा तो नो चेंज हो जाता है, और ये वाला इसमें बदलते हैं तो बींग के साथ, ये वाला इसमें बदलते हैं तो बींग के साथ। कैसे जी, मेन आपका ये सेंटेंस था वी टू था, वी टू था, ये वॉज वर्ब में आ जाएगा, यहां लगता है वॉज या वर, तो वॉज वर्ब, तो ही के साथ लग जाएगा वॉज, ये वाला था, तो ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बाय देम, ऐसे चेंज किया। पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप ये वाला सब्जेक्ट शुरू में लेके आ सकते हो, फिर ये वाला को ऐसे लगा के ये कर सकते हो, लेकिन आप इस प्रेसिडेंट को यहां नहीं लेकर आ सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये समस्या मोस्टली स्टूडेंट के सामने आती है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो इसकी पहचान सीख लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो जी देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। ये मी और ये बुक, मोहन ने मुझे एक बुक दी, क्या मुझे और एक ये बुक ये एक ही चीज है? नहीं जी, ये व्यक्ति है, ये बुक है, ये दोनों अलग अलग हैं। उसे दे इलेक्टेड हिम, उसे चुन लिया, प्रेसिडेंट चुन लिया,
उसे चुन लिया और प्रेसिडेंट चुन लिया। प्रेसिडेंट कौन है? वो ही है, और वो प्रेसिडेंट है। यानी कि ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। जब दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं तो आपको पहचान करनी है कि दोनों एक हैं। अगर वो दोनों एक हैं तो एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं, जी हाँ दोनों अलग अलग हैं, फिर ये दो ऑब्जेक्ट हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर बैक करके फिर मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक दो सेंटेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बड़े आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, तो नेक्स्ट जो आपका बनेगा इसको आपने पहचान कर लिया कि ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, आपका ये जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें मैंने बताया था, तो ये अगर आपने यही बनाना है तो इसमें भी ये बनाने की कोशिश कीजिए, सेकेंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट न बनाकर आप ये गलती से बच सकते हैं। जी, द टीचर मेड मोहन मॉनिटर, तो ये बड़ा ही आसान हो गया। जैसे ये किया है तो हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, मोहन, मोहन मेड है सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगी, मोहन के साथ हम वॉज लगाएंगे, मोहन वॉज मेड, मोहन वॉज मेक का हम थर्ड फॉर्म लेते हैं, मेड ई, मोहन वॉज मेड क्या, मेड मॉनिटर, मोहन वॉज मेड मॉनिटर मॉनिटर बाय द टीचर बाय द टीचर। ये आसान रहा। तो अगर आपको आते हैं तो आप पहले भी सोच सकते हो, जो आपका सही मिल रहा होगा उसके हिसाब से सही हो जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आप सोचिए उसके बारे में क्या आएगा। तो मोहन मॉनिटर अगले वाला सेंटेंस आपके सामने है, जी हाँ। अब ये वाला एक सेंटेंस था, ये वाले में थोड़ा सा क्या रहेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, और इसमें टू इन्फिनिटिव में हम टू प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, टू बी फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा। तो टू इसका कैसे चेंज करते हैं, इनको वाला का फॉर्मूला रहेगा टू प्लस बी प्लस वी थ्री, ये रहेगा इनका, जिसमें हम टू डू ऐसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें मोस्टली स्टूडेंट हैं वो गलतियां करते हैं, वो गलती आपने नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। तो इसकी पहचान क्या रहेगी, हम सीधा टेंस देखेंगे, विल और वो इसमें चेंज कर देंगे, या फिर वांट होगा, वांट आई वांट मैं चाहता हूं, तो इस वाला इसमें कर देते हैं, तो ये गलती होती है। लेकिन आपने बी केयरफुली बड़े सावधानी से आपने ये चीज देख लेनी है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आया हुआ है, फिर इस गलती से आप बच सकते हो। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, इस चीज का ध्यान में रखते हो, सीधा टेंस समझते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग वो ये कर देती है, ये नहीं समझते कि वो टू डू यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू इन्फिनिटिव है, इनका चेंज होता है पैसिव में, ऐसे होता है। तो आपने केयरफुली रहना है। तो हम यहां से करेंगे इट, यहां से उठाएंगे, इट विल हैव, इट विल हैव, इट विल हैव, फिर यहां से इट विल हैव टू बी डन, टू बी करके टू बी वी थ्री कर देंगे, टू बी डन डन बाई यू कर देंगे, फिर बाई यू हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो ऐसे ही अगर ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, लेकिन आई वांट है, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस इस तरह भी बदलते हैं, आई वांट ए कार, अब यहां से ले लेंगे आई वॉन्ट, और फिर यहां से ले लेते हैं आई वॉन्ट अ कार, फिर टू बी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म कर देते हैं,
बात। तो इस तरह से बन जाता है। तो ये आपने सीखा और अब है जो तरीका है, इट इज टाइम मिलेगा भाई। इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम वाले सेंटेंस है वो कैसे चेंज होते हैं। तो जी बड़ा ही आसान सा तरीका है, वो देखिए जी कैसे होगा। इट इज टाइम शुरू में मिलेगा तो हम भी इट इज टाइम शुरू में ही लगा देंगे बिल्कुल आसानी से। अब ये टू होगा तो हम इसका फोर कर देंगे, इट इज टाइम फोर कर देंगे और फिर पीछे से ऑब्जेक्ट उठाएंगे आपका, ये ऑब्जेक्ट है। इट इज टाइम फॉर अ कप ऑफ टी और टू भी थर्ड फॉर्म कर देंगे, इट इज टाइम फॉर अ कप ऑफ टी टू बी टेकन टेकन, तो थर्ड फॉर्म हो गई। तो आप समझ में आया आपको, इट इज टाइम करेंगे टू की जगह फोर कर देंगे, इट इज टाइम फोर यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे ए कप ऑफ टी और टू बी थर्ड फॉर्म कर देंगे। समझ में आ गया आपको, तो उसी तरह यही करना है आपने। इट इज टाइम फिर से आ गया है, कीजिए आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। बोलिए जी हाँ बिल्कुल सही है, इट इज टाइम लगाएंगे, इट इज टाइम टू का क्या कर देंगे फोर कर देंगे, इट इज टाइम फोर कर देंगे, फिर हम उठाएंगे पीछे से ऑब्जेक्ट, इसका उठा लेंगे ऑब्जेक्ट, ये है प्रेयर, पी आर ए वाई ई आर एस है, प्रेयर्स हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स और टू बी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टू बी थर्ड फॉर्म, तो ये रहता है टू बी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इट इज टाइम, ये वाले टू बी थर्ड फॉर्म थे लेकिन ये इट इज टाइम आएगा तो बस एक फोर लगा देने के बाद इट इज टाइम, तो उसमें भी हम टू बी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इट इज टाइम टू का फोर कर दिया, ऑब्जेक्ट उठाया प्रेयर और प्रेयर टू बी टू और बी और सेट कर देंगे थर्ड फॉर्म बना देंगे, ऐसे चेंज होगा। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है बिल्कुल आसानी से। हाँ जी इस प्रकार के सेंटेंस में, अब ये दो सेंटेंस बने हैं, इसमें क्या रहता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वगु होता है, वगु होता है मीन वो स्पष्ट नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, इट इज सेड दैट, इट इज बिलीव दैट या फिर इट इज अम्यूज्ड दैट। तो पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, तो हम करेंगे इसको इट इज सेड दैट, तो कैसे हुआ ये से था सो सेड, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, हो गया बिल्कुल आसानी से, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो ये आसानी से आप कर सकते हो जी। बताइए आपकी कैसे आएगा आंसर में, तो इसका बिलीव दे रखा है तो हम कर देंगे इसका दे, सॉरी दे नहीं करेंगे हम, इट इज बिलीव दैट, बिलीव बिलीव यहां से उठाएंगे इट इज रहेगा, इट इज बिलीव्ड, ईवीईडी, इट इज बिलीव दैट मोहन इज द, सेम रहेगा मोहन इज द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन एंड टाउन, तो ये रहता है जी इसका। बड़ा ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, ये आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल भी कभी भी भूलेंगे नहीं। तो जी ये था पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इट इज सेड दैट लग जाता है और इट इज बिलीव दैट मोन इज द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, बिल्कुल जी हाँ। कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम लेके आएंगे ऐसी धमाकेदार और अच्छी वीडियो, अच्छे रूल जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके तब तक मेहनत करते रहिए, सी यू सून।